हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द नाना टेक्निकल चैनल तो आज हमारे सामने है टी वी एस अपाची आर टी आर वन सिक्सटी फोर वी ये इसका टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर मॉडल देख रहे हैं आप लोग टोटल सिक्स कलर ऑप्शन इसमें आते हैं और ये इसका नाइट ब्लैक कलर ऑप्शन है और इसके आज की वीडियो में बात करने वाले है, mileage, features, हैं माइलेज फीचर्स टॉप स्पीड और जीरो सो हंड्रेड होने में इसको कितना समय लगता है फ्रेंड्स वीडियो बना रहे हैं, जो भाई हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को नाना टेक्निकल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा वाच करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि 2024 में इसको लेना सही है या नहीं तो फ्रेंड्स आई वीडियो को स्टार्ट करते हैं ये इसका सामने आप देख रहे हैं टी वी एस अपाची आर टी आर वन सिक्सटी का फ्रंट प्रोफाइल सो फ्रेंड्स ये इसका फ्रंट प्रोफाइल जो सामने आप लोग देख रहे हैं इसका लाइट जो है एल में कर दिया गया है और सामने आपको मिडल कंसोल की बात करें यहाँ पर आपको मेड ब्लैकनेसिंग दिया गया है और यहाँ पर नीचे नंबर प्लेट लगाने की जगह दी गई है सो फ्रेंड्स फ्रंट में आपको इंडिकेटर मिलेंगे हरिद्ध बल्ब जो नॉन फ्लेक्स केबल है और ये जलने के बाद कुछ इस तरीके का ओवरव्यू आता है और यहाँ पे आपको पूरे लाइट सेटअप की बात करें तो लाइट सेटअप इसका पूरा एल में कर दिया गया है और हाई बीम लो बीम के साथ और इसमें चाबी ऑन करने के बाद आपको डी ऑन हो जाते हैं ये काफ़ी अच्छा फीचर्स है हर बाइक में देखने को मिलता है और ये इसका फ्रंट प्रोफाइल है सो so फ्रेंड्स सामने की बात करें सामने आपको यहाँ पे इंडियन फ्लैग की बैजिंग दी गई है क्योंकि ये इंडियन कंपनी है टीवीएस वी एस मोटरवाइकल तो ये इसका इंडियन फ्लैग का ब्रांडिंग सामने दिया गया है और साइड से आपको ग्लोसी ब्लैक का फिनिशिंग दिया गया है और सामने आपको मैट ब्लैक का फिनिशिंग दिया गया है जो काफ़ी अच्छा है और इसके राइट right साइड की बात करें यहाँ पे आपको फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं जो प्रोक्स में है और काफ़ी बेटर सस्पेंशन दिया गया है और मडगार्ड की बात करें तो मडगार्ड आपको डुअल टाउनी मिलेंगे आपको फ्रेंड्स सामने आपको यहाँ पे आपको टी वी एस रेसिंग की ब्रांडिंग दी गई है जो काफ़ी प्यारा लग रहा है सामने आपको देखने से और यहाँ पे आपको सिंगल चैनल ए वी एस दिया गया है जो सामने आपको सुपर मोटो ए वी एस करके दे दिया गया है तो फ्रेंड्स फ्रंट डिस्क की बात करें दो सौ सत्तर एम का फ्रंट डिस्क दिया गया है और यहाँ पे आपको जो बाइक का टाइर है वो आपको ट्यूबलेस में मिलेंगे देखने को फ्रेट टायर कंपनी की बात करें तो यहाँ पे आपको टी के टायर दिए गए हैं और टायर साइज की बात करें फ्रंट में तो नब्बे नब्बे सत्रह इंच के फ्रंट टायर दिए गए हैं और ये इसके अलावा देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे स्टिकर दिए गए हैं टी रेसिंग एस ब्रांडिंग के साथ जो काफ़ी प्यारा लग रहा है और ये इसका राइट साइड का प्रोफाइल है फ्रंट टायर का जो आप लोग देख रहे हैं काफ़ी स्पोर्टीनेस को ये दर्शाता है तो मुझे पर्सनली इसका फ्रंट प्रोफाइल राइट साइड से काफ़ी अच्छा लगा और इसके आइए टैंक बारे में बात करते हैं तो टैंक साइज़ जो है काफ़ी बड़ा बनाया गया है सामने आपको हॉर्स का लोगो मिल जाएगा थ्री में जो काफ़ी अच्छा लगता है सिल्वर कलर का और सामने आपको रेड की स्ट्रिकिंग और ग्रे की स्ट्रिक्निंग दी गई है सो फ्रेंड्स यहाँ की बात करें यहाँ पर आपको एयर कट के लिए दिया गया है जो काफ़ी अच्छा है और टैंक डिज़ाइन की बात करें तो फुल टैंक जो आपका दिया गया है ये बॉडी पार्ट है ये फाइबर का है क्योंकि अंदर इसका मेन पार्ट है और यहाँ पे आपको अपाची की ब्रांडिंग मिल जाएगी सिल्वर इसकी प्लेट के पास और ये इसका मेड ब्लैक है जो फाइबर का पार्ट है और इसके नीचे के इंजन की बात करें तो इंजन पे आपको टीवीएस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और ये इसका सामने आपको लेग गार्ड मिलेगा ब्लैक कलर का जो काफ़ी प्यारा है हेल्प भी करता है इस एक्सीडेंट वगैरह का टाइम और सामने आपको हाइपर एज की बैजिंग दी गई है जो इंजन बॉडी गार्ड है जो काफ़ी अच्छा है और यहाँ की बात करें तो यहाँ पर आपको फोट्रेस दिया गया है एडजस्टेबल है तो फ्रेंड्स ये है इसका ब्रेक पेडल जो रियर ब्रेक को प्रजेंट करता है जो काफ़ी अच्छा है और स्पोर्टी भी लगता है देखने में सामने रियर फोट्रेस ये भी एडजस्टेबल दिए गए हैं पर इसका थोड़ा सा ये स्प्रिंग हार्ड है तो जल्दी हो नहीं रहा था सो फ्रेंड्स इसके एडजस्ट की बात करें ये इसका एडजस्ट है जो मेट ब्लैक में दिया गया है जो काफी अच्छा है और काफी लॉन्ग भी बनाया गया है या ये इसका एडियो साउंड सुनते हैं सबसे पहले तो फ्रेंड्स ये था इसका एडियो साउंड सामने आपको मडगार्ड मिलेंगे रियर मडगार्ड जो आरटीआई की ब्रांडिंग के साथ दिया गया है और रियल में आपको एक सौ तीसरे देखने को मिलेगा और रियर सस्पेंशन की बात करें तो रियर में आपको मोनोसॉक सस्पेंशन दिया गया है जो काफी बेटर होता है और इसके रियर प्रोफाइल की बात करें यहाँ पे आपको ग्रेपरेल दिए गए हैं मेटल का बाटे ग्रे कलर में सो so फ्रेंड्स यहाँ पे आपको आर टी वन सिक्सटी फोर वी का ब्रांडिंग दिया गया है सीट कॉल के पास जो काफ़ी अच्छा है रिक्साउंड में और ये इसका सीट है सिंगल फ्रंट फेसिंग सीट दिया गया है काफ़ी कम्फर्टेबल कुस्टिंग वाला है और नीचे की बात करें तो यहाँ पे आपको रियर में जो देखने को मिलेंगे आपको ये इसका ग्लोसिप ब्लैक दिया गया है फ्रंट और यहाँ पे आपको ये इसका बैक लाइट है ब्लैक प्रेस करने के बाद हाई होता है ये इसका हाई है और ये इसका लो नीचे आपको सीट खोलने की जगह है यहाँ पे आप इंडिकेटर दिए गए हलेजन बल्ब में सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको लाइट दिया गया है जो नंबर प्लेट को यूजबल रहने के लिए नाइट में काफ़ी अच्छा रहता है और ये इसका रेयर प्रोफाइल देख रहे हैं आप लोग और नीचे आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर दिए गए हैं और पीछे से भी इसका अच्छा लुक आता है निकल कर जो मुझे पर्सनली अच्छा लगा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर दिए गए हैं दोनों साइड में जो सेफ्टी के हिसाब से काफ़ी अच्छा है यहाँ पे आपको आर टी आर वन सिक्सटी फोर वी के ब्रांडिंग दिया गया है सामने सीट का उनके पास सो फ्रेंड्स इसके सीट की बात करें तो सीट कम्फर्ट बहुत अच्छा है और सिंगल फ्रंट फेसिंग सीट दिया गया काफ़ी कुस्टिंग वाला है और ये इसका लेफ़्ट साइड का प्रोफाइल देख रहे हैं आप लोग नीचे की बात करें तो यहाँ पे आपको लेडीज़ फूट दिया गया है जो काफ़ी अच्छा है और साड़ी कार्ड भी यहाँ पे दिया गया है सामने आपको ओपन चन कवर सिस्टम दिया गया है इसमें और यहाँ पे कुछ टायर प्रेशर की इन्फॉर्मेशन है वीडियो पॉज करके आप लोग इसको रीड कर सकते हैं तो फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और ये इसका फोट्रेस है शायद मेरे हिसाब से इसका एडजस्टेबल फुट नहीं लग रहा है ये मैनुअल है फ़िक्स रहेगा ये इसका एडजस्टेबल फ्र फोट्रेस है जो आगे वाला है सामने आपको देखने को मिल जाएगी अपाची की ब्रांडिंग ब्लैक कलर में सिल्वर कलर के साथ काफ़ी प्यारा लग रहे हैं और ये इसका फाइव स्पीड वाला मैनुअल गियर बॉक्स दिया गया है ये स्पोर्ट बाइक है और इसका साइड स्टैंड कट ऑफ ऑफ सेंसर का फीचर दिया गया इसमें सिंगल स्टैंड में जिस सामने आप वायर देख रहे हैं यहाँ पे जो वायर है यही साइड स्टैंड ऑफ सेंसर कट ऑफ ऑफ सेंसर का फीचर दिया गया जो काफी अच्छा है जो काफ़ी अच्छा होता है हर बाइक के हिसाब से और तो फ्रेंड्स यहाँ की बात करें तो यहाँ पे आपको गियर के इन्फॉमेसन दिए गए हैं कितने गियर इसमें दिए गए हैं सामने आप देख सकते हैं और सामने आपको यहाँ पर आर की ब्रांडिंग दी गई है काफ़ी पर्सनली देखने में मुझे अच्छा लगा और इसके नीचे की बात करें नीचे आपको हाइपर एज की बेटिंग दी गई है ये इंजन गार्ड है इसका सो so फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ले कर दिया गया फ्रंट और इंजन पावर मेडिसिन कर देना आप लोग देख सकते हैं सो फ्रेंड्स इसके विद्ध की बात करें सात सौ नब्बे एम का दिया गया है लेंथ दो हजार पैंतीस एम का दिया गया है हाइट की बात करें एक हजार पचास एम का दिया गया है सीट हाइट आठ सौ एम का दिया गया है ग्राउंड की लेंस एक सौ अस्सी एम का दिया गया है व्हील बेस तेरह सौ संतावन एम एम का दिया गया है करबेट एक सौ चवालीस के जी की बाइक है सो so फ्रेंड्स ये बाइक देखने में काफ़ी बेहतरीन और अच्छी लगी मुझे देख लेना अब देख लेते हैं इसके टैंक के तो बारे में तो इस फुल टैंक कपासिटी की बात करें तो बारह लीटर का फुल टैंक दिया गया है और सामने आपको ग्राफिक्स मिल जाएंगे टैंक पे ग्रे कलर के काफ़ी अच्छे लगते हैं और इसके आपको यहाँ पर आपको टैंक पर ई ट्वेंटी ओ वी टू वाला इंजन इसमें दे दिया गया है इसमें ई ट्वेंटी परसेंट एथनॉल से ये बाइक चलेगी हंड्रेड परसेंट सामने रिकमेंड करता है और इसके माइलेज पैंतालीस के एम पी एल है और सामने आपको टैंक पर आपको मिल जाएगी देखने को आर टी आर वन सिक्सटी पी ग्राफिक्स अब इसके बात कर दे की की तो की मेरे सामने अपने हाथों में देख सकते हैं दो मैंने मैनुअल की ले रखा है कि ये इसका मैनुअल की है कुछ इस तरीके का इसका पैटर्न दिया गया है की का सो फ्रेंड्स आइए बिना देर के इसको की को लगाते हैं और इसको मीटर को ऑन करके देखते हैं कि इसमें मीटर में क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं सो so फ्रेंड्स मैंने इसका की लगाया और इसको ऑन करते हैं देखिएगा मीटर तो मीटर आपका येलो कलर में दिया गया है पर इसमें पूरा डिजिटल बना दिया गया है इसको और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इसमें मेंशन कर दिया गया सामने की बात करें सामने आपको इंजन वार्निंग गन दिए गए इंफॉमेशन और सामने आपको यहाँ पे इंडिकेटर दिए गए हैं चलने के बाद कुछ इस तरीके का डिस्प्ले पर मैंसन होता है सामने आप ए दिया गया है और यहाँ पे आपको हाई वीम लो लोबिम के लिए और यहाँ पे आपको टी की ब्रांडिंग दी गई है मीटर के सामने और यहाँ पे न्यूट्रल और फ्यूल के लिए और यहाँ पे आपको इंडिकेटर के वार्निंग इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं और यहाँ पे आपको बटन दिए गए हैं जो आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं इसका डिजिटल मीटर को और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं सामने आपको पावर जैसी रेस देंगे तो आपको वहाँ ग्रीन लाइट चलेगी और यहाँ पे आपको टाइमिंग दिया गया है और नीचे आपको यहाँ की बात करें यहाँ पे मोड़ दिया गया है अर्बन मोड में फिलहाल अभी स्विच किया गया है अभी और यहाँ पे आपको मोड को आप चेंज कर सकते हैं बटन से यानी कि वही बटन से नहीं इसका राइट साइड में बटन दिया गया है यहाँ पर सेल्फ स्टार्ट कंट्रोल है यहाँ पर स्पीडोमीटर दिया गया है और यहाँ पर आपको कितना किलोमीटर चलेगा ये बताएगा बाइक और यहाँ पर आपको डिस्क के लिए ऑयल का इन्फॉर्मेशन दिया गया है सामने आपको मोड दिया गया है इसी मोड से आप मोड को चेंज कर सकते हैं सामने आप देख सकते हैं इस ड्रेन मोड अर्बन मोड स्पोर्ट मोड तीन तरह के मोड दिए गए हैं और यहाँ पे आपको इंजन स्विच के कंट्रोल दिए गए हैं और यहाँ पे आपको हिजाट लाइट के कंट्रोल दिए गए हैं नीचे में आपको सेल्फ स्टार्ट के कंट्रोल्स दिए गए तो फ्रेंड्स आइए इसके लेफ्ट साइड की बात करें लेफ्ट साइड में क्या क्या दिया है देखने को देख लेते हैं सामने आपको यहाँ पे आपको पासिंग लाइट दिए गए येलो कलर में और ये इसका सामने वाला ये हाई बीम लो बीम के लिए दिया गया कंट्रोल्स और नीचे में आपको यहाँ पे इंडिकेटर दिए गए हैं और इसके हॉर्न को चेक कर लेते हैं पहले इसका हॉर्न किस तरीके का साउंड करता है तो सारे ऑन करने के बाद देख सो फ्रेंड्स ये था इसका हॉर्न का साउंड जो आप लोगों ने सुना आइए फाइनली इसके ऑनर प्राइज की बात करें सो so फ्रेंड्स हाजीपुर वैशाली बिहार में इसका ऑनर प्राइज़ है एक लाख अड़तालीस हज़ार एक सौ दो रुपये प्राइज़ कम या ज़्यादा हो सकता है दिए गए नंबर से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और जो भाई को टी से कोई बाइक लेना है नियर बाई मोवा चेर अगला के आसपास तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बालाजी टी वी से जरूर विजिट करें और यहाँ से बाइक वगैरह परचेज़ करें सो so फ्रेंड्स इस बाइक को जीरो से हंड्रेड होने में अठारह पॉइंट चौंतीस सेकेंड लगते हैं और अगर टॉप स्पीड की बात करें टॉप स्पीड एक सौ चौदह किलोमीटर पर आवर इसका टॉप स्पीड दिया गया है तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं चैनल पर पहली बार विजिट करें तो मैं रिक्वेस्ट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे बार बार कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही वीडियो आपको फुल इंफॉर्मेशन के साथ हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी थैंक यू सो मच नाइस डे